वृंदावन में आकर के भगवान अनेकों अनेक लीलाएं करने लगे। करने के बाद में एक बार भगवान कन्हैया ने क्या देखा कि वृंदावन में महाराज अमावस्या के कार्तिक के दिन वृंदावन में जितने भी वृंदावन वासी थे वो सभी नए नए वस्त्र पहने और नए नए वस्त्र पहनने के बाद में महाराज सुंदर सुंदर से पकवान बना रहे। तो जब पकवान बना रहे तो भगवान ने देखा कि क्या बात है, आज हमारे वृंदावन में पता नहीं कोई त्योहार है या कोई उत्सव है या कोई आ रहा है जिसका सम्मान करने के लिए ये सारे लोग सुंदर सुंदर पकवान बना रहे। तो महाराज भगवान कन्हैया ने जब ये सारा दृश्य देखा तो देख करके आज भगवान मैया यशोदा के पास में पहुंच गए। जैसे ही मैया यशोदा के पास में पहुंचे तो भगवान ने देखा कि मैया यशोदा जो थी वो भी रसोई में भोजन बना रही। तो भगवान जैसे ही रसोई में घुसे तो मैया ने कही, लाला दूर ही खड़ो रहिए, दूर ही खड़ो रहिए, यहाँ मत आइए। भगवान बोले, क्यों मैया, यहाँ क्यों ना आए? तो मैया यशोदा बोली, किस लिए? कि हम पूजा के लिए भोग तैयार कर रही हैं और तू बिना नहाए धोए यहाँ घुसाएगा तो यहाँ मत आना। अब महाराज भगवान कन्हैया दूर खड़े। अब भगवान बोले, मैया अगर तेरे पास में नहीं हम आए सकत तो तू जा तो बताई दे कि तू जो भोजन बनाए रही वो किनके नहीं बनाए रही। और मैया तू ही नहीं, हमने तो पूरे वृंदावन में देखा कि सब सुंदर सुंदर पकवान बना रहे, नए नए वस्त्र पहन रहे, मैया का कोई त्योहार है? तो मैया यशोदा से जैसे ही भगवान ये पूछ रहे थे तब तक बाबा नंद आ गए। बाबा नंद कहने लगे, लाला तुम्हें नहीं पता है आज सारे वृंदावन में हम सभी लोग कार्तिक के अमावस्या के दिन इंद्र देव का पूजन करते हैं। और जब इंद्र देव का हम लोग पूजन करते तो भाई इंद्र प्रसन्न हो करके बोले भगवान की। तो महाराज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, आज बाबा नंद ने कहा है कन्हैया हम सभी लोग कार्तिक के अमावस्या के दिन इंद्र देव का पूजन करते हैं और जब हम सब लोग इंद्र का पूजन करते तो इंद्र प्रसन्न होकर के जल की वर्षा करते हैं। अब जैसे ही इतने वचन कहे कि जल की वर्षा करते हैं और इंद्र का पूजन करते तो महाराज भगवान कन्हैया कहने लगे, बाबा कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे तुम्हें नहीं पता है, तुम कह रहे कि इंद्र का पूजन करते हैं सभी लोग, जब बताओ बाबा वो इंद्र जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता है वो भला हमारी रक्षा क्या करेगा? और महाराज भगवान कन्हैया बोले, बाबा में फंसी है लेकिन हमें का पता तो कि तुम अंधविश्वास में डरे हुए तक है?
बाबा ये सारी दुनिया बेढंकी है, यहाँ किसी को अंधविश्वास के बारे में अगर थोड़ा उसे भड़काए दे तो महाराज ध्यान रखियो वो अंधविश्वास मान लेते। मनोज भैया और जो तो तुम देख ही चुके हो, कहाँ देखो तुमने से बताओ, आज के कलयुग में बहुत अंधविश्वास फैलो तो कमी थोड़ी है।